जब ब्रह्मा संपत्ति ने शरीर छोड़ा तो संदेश ने आया कि मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म लिया राजघराने यही कहा था उनका राजघराना तो सिवाय नेपाल की और कहीं दूसरे देशों में था ही नहीं। सब जगह प्रजातंत्र राज्य हो गया तो सबने क्या समझ लिया नेपाल में राजघराने में जन्म ले लिया होगा। राष्ट्र सेंटर खोल दिया गया काठमांडू तो बाबा तो बेहद में बोलते हैं हाथ में बोलने की बात नहीं और उस बात का इशारा मुरली में भी दे दिया था। मुरली में बोला था गांधी मरा राजकोट में जाए कोई बड़े सरोकार कांग्रेसी के यहां जन्म लिया गुजरात में। जब गुजरात का अर्थ क्या बताया दिन के अज्ञान की रात गुजर गई और कोट माने क्या होता है किला राजकोट माने राजाओं का किला। 108 की माला है जब संगति तो हो जाती है तो किला बन जाता है ना। गुरुद्रमाला ही राजाओं का किला है जहां जाकर के बेहद के गांधी ने जन्म लिया कोई साहूकार कांग्रेसी किया फूलधन का साहूकार होगा या ज्ञानधन का साहूकार होगा ज्ञानधन का साहूकार होगा बेहद का गांधी होगा तो बेहद का धन होगा। तो बाप दादा की बात है तो बेहद की होती है। कुमार का दादी का जो गुरु था जिन्हें वो बाप भी मानती थी उनका क्या रिजल्ट हुआ जीवन का उन्होंने सूक्ष्म शरीर दान किया या स्थूल शरीर दान किया बच्चे के लिए। तो क्या कुमारता दादी साकार में किसी सैंपल को याद नहीं करती थी करती थी या नहीं किसको तो जिसको याद करेंगे वैसी गति होगी या दूसरी गति होगी ब्रह्मा अपने लिए अपने
संपर्क से सुखी रखते हैं है? ब्रह्मा अपने लिए अपने संकल्प से सुखी रखते हैं हाँ, अपने संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रहती है। आत्मा ब्राह्मण जीवन में अपने संकल्पों से अपने 84 जन्मों की सृष्टि रचता है। सभी ब्राह्मण के नंबर बार अपने लिए अपने संकल्प से सुखी रखती है। तो ब्रह्मा जो संकल्प से सुखी रखती तो संकल्प कौन सा है? और कोई एक संकल्प होता है? कोई एक जन्म होता है क्या? तो नंबर बार जो बोला कि नंबर बार माने जैसे जैसे सत संकल्प होंगे वैसी वैसी श्रेष्ठ रचना रचेंगे। अगर संकल्पों में श्रीमत के बरखिलाफ कुछ सरणी चलेगी तो सृष्टि भी कैसी रहती रहेगी? दुखमयी या सुखमयी? दुखमयी सृष्टि रहती जाएगी। और जो बच्चे सभी का ज्ञान जो की वो परम धाम का ज्वासी बनेंगे। जो बच्चे बाप का कभी भी ज्ञान जो की वो परम धाम का ज्वासी बनेंगे। निश्चय बुद्धि होंगे उतना ज्ञानी नहीं करेंगे। निश्चय बुद्धि नहीं होंगे तो ज्ञानी भी करेंगे। जो बच्चे कभी भी आपका ग्लाइनिंग होती हो हाँ वो परिणाम का लक्ष्य बनेगी बुद्धि होते हाँ जी हाँ जी। तो आज में तो कभी भी ग्लाइनिंग होती हो ना ठीक है तो और जो आत्माएं हैं हाँ वो परिणाम का लक्ष्य छुपा देते होंगे। लेकिन बुद्धियों साफ रहेगा कि नहीं? जिनका बुद्धियों साफ रहेगा तो बुद्धियों से उन्हें परम धाम जाने की जरूरत पड़ेगी शरीर छोड़ करके, या शरीर में रहते ही परम धाम वासी बने रहेंगे? शरीर में रहते ही परम धाम वासी हो जाते हैं। हाँ मुझे बोला है कि हाथ से का बहुत सबसे अच्छा मृत्यु है। हाथ पेट का मृत्यु सबसे अच्छा मृत्यु है। अब ऐसा भी है कि कोई तकलीफ नहीं होती, तुरंत आग फेल हुआ तुरंत गए, तकलीफ तो कुछ भी नहीं हुई। जमाना ब्रह्मा क्या अच्छा हुआ है? ब्रह्मा का क्या अच्छा मुझ हुआ? अच्छा मृत्यु तो हुआ और तभी तो सत्यु के आग में जरूर देते हैं पहले पत्ते के रूप में। पक्का होगी है तो ब्रह्मा तो ये नहीं बताया, मृत्यु बताया सबसे अच्छा, जीते जी मृत्यु नहीं बताई। एक होता है मरना और एक होता है जीते जी मरना, कौन सा अच्छा होता है? जीते जी मरना ये अनिश्चित में हम बच्चे हैं। बाबा जो पवित्रता बोलते हैं है? नारी का भूषण होता है पवित्रता हाँ जो बाबा मुरिंदी में बताया जो जितना पवित्र होता है वो उतना पूज्य बनता है हाँ जी। जो ये जो पवित्रता है इसका विस्तार का ये थोड़ा समझाइए, मतलब जैसे बात में पवित्रता, संकल्प में पवित्रता, धारणा में सब कुछ इसका गहरी रहा। जो आत्मा जन्म जन्मांतर 84 जन्म एक के साथ पवित्र संस्कार में रही होगी, अन्य कोई पर पुरुष या पर स्त्री गमन नहीं किया, एक ही आत्मा के साथ जिसका संसर्ग संपर्क संबंध रहा होगा
पति पत्नी के रूप में, उसके संस्कारों में। और एक आत्मा जिसका सैकड़ों के साथ अनेक जन्मों में संबंध रहा होगा, उसके संकल्पों में और संस्कारों में अंतर रहेगा या नहीं रहेगा? वाचा में भी अंतर पड़ जाएगा, वाइब्रेशन में भी अंतर पड़ जाएगा। जो जितना पवित्र रहेगा संगम युग में, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, वो आत्मा उतनी ही अनेक जन्मों में सुखी रहेगी। और जितनी जाती आत्माओं के साथ बुद्धि का कनेक्शन जुटे, वाचा का कनेक्शन जुटे, कर्मेंद्रियों का कनेक्शन जुटे, उतना ही जाति वैज्ञानिक का अर्थात दुख का लोगों को विस्तार में जाने की जरूरत ही नहीं है। कितना सार समझ ले, एक है साधे सब सद है, बहुतों का आधार लेंगे तो जरूर बहुत नीचे गिराएंगे। एक का आधार लेंगे तो ऊंचा उठा लेगा। एक तो आज का माला का समर्थन नहीं मिल जाएगा, तो क्या एक एक आत्मा का समर्थन एक एक होगा? जो एक तो आज का माला का समर्थन नहीं जाएगा, बारह बारह के नौ गुरु तो पहले बनेंगे। कोई माला बनाई जाती है तो ढेर अलग अलग कर लिए जाते हैं, ये ढेर दो तीन चार ये नौ ढेर इकट्ठे कर लिए, पहले कैटेगरी से अलग अलग कर दी, फिर बाद में एक कैटेगरी को फिर वही दिया, फिर दूसरी कैटेगरी को फिर वही दिया। ऐसे ये नौ प्रकार के ग्रुप है। अव्वल नंबर ग्रुप है जीरो का ग्रुप, फिर है आठ प्रकार के रतन नंबर वार, वो नंबर वार फिर हो जाते रहते। वर्गीकरण की सेवा हो चुकी है, लेकिन अभी वो वर्गीकरण स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहले तो जब स्नेह के धागे में अर्थात याद के धागे में और ज्ञान के धागे में वो आत्माएं सुनोई जाएंगी जो फर्स्ट क्लास होंगी, ज्ञान में भी फर्स्ट क्लास और याद में भी फर्स्ट क्लास। कर्म करते करते ही उनकी याद बनी रहे, कर्म भी नहीं छोड़े और याद भी नहीं छोड़े, सेवा भी नहीं छूटे, याद में ही जैसे उनकी सेवा समाई हुई है, कर्म में ही उनकी सेवा समाई हुई है। ऐसी आत्माओं का संगठन इकट्ठा पहले होता है, वो पावरफुल ग्रुप है। विष्णु माला ही दो निर्भर की जोड़ी आदि गुरु भी संस्कार की मेल को कहा जाता है। विष्णु मतलब ही दो ईश्वरों की संस्कार की मेल आ गया, शंकर पार्वती ब्रह्म सरस्वती देवी थे। हाँ जी, इसको देखते कि इसको दिलवाड़ा मंदिर में एक कोठरी में चार बच्चे जो मासिक का बच्चे के रूप में दिखाई देगा। हाँ जी, तो उसका क्या सारे जितना भी साढ़े चार लाख सुबह नौ लाख जो आत्मा है बच्चे रूप में और मासिक के रूप में चार चार का ग्रुप ठीक है तो होंगे ना। बुद्ध रूपी पेट में पहले प्रवेश होंगे, फिर बाद में स्थूल पेट से जन्म लेंगे। जो मानसिकता में रहने तो हो जाएंगे मानसिकता रहते है ना। हाँ, वो तो लक्ष्मीनारायण के एक दूसरे को भी देखते नहीं है, तो इतना पवित्रता का जो हाइड्रेशन का पवित्रता जो पहुँचते हैं तो क्या हुआ, वो तो मानसिकता का जो उसमें रहेंगे जो प्रवृत्ति बनेगा उनमें भी एक दूसरे को पहचान सकते हैं क्या उद्योग से, जैसे रामल अपना उनका गाड़ी को ढूंढ देगी। हाँ, तो बैठे यहाँ से दूर बैठे हम दूसरों के संकल्पों को स्कैन कर सकते हैं, पहचान नहीं सकते। बाबा भाई ने पूछा
जितने बच्चे ज्ञान में हैं वो सब थोड़ा जन्म लेते हैं या नहीं है? वो जरूरी नहीं। ज्ञान में माने कौन से ज्ञान में? बेसिक ज्ञान में, एडवांस ज्ञान में? भाई ज्ञान में और मरण ज्ञान बाबा पूछ रहे हैं, बेसिक ज्ञान में या आनंद ज्ञान में? कौन से ज्ञान में? बेसिक ज्ञान में या आनंद ज्ञान में? एडवांस में आए होंगे तो उन्होंने बाप को पहचाना होगा, तब तो एडवांस कहा जाएगा। अगर बाप को थोड़ा भी पहचाना, थोड़े समय के लिए भी पहचाना, तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? चौरासी जन्म लेने वाला तो हो गया ना, और एडवांस में आया है तो बेसिक में भी आया होगा। भले इस जन्म में डायरेक्ट आ जाए, इस जन्म में भले बेसिक में न चला हो, यदि के आज में बेसिक में चलकर शरीर छोड़ करके आए, तो ब्राह्मण तो हो गया ना, और द्विजन्म ब्राह्मण चाहिए ऐसा? दो बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण चाहिए। माना द्विजन्म वो होता है जो यज्ञोपवीत धारण कर लेता है, माने ब्रह्मा विष्णु शंकर रूपी तीन सूत्रों को बुद्धि में पक्का पक्का धारण करने वाला हो, नित्य बुद्धि हो। भले कोई थोड़े समय के लिए नित्य बुद्धि हो, कोई ज्यादा समय के लिए नित्य बुद्धि हो, लेकिन हो जरूर। तो बाप का बच्चा बनेगा तो 84 जन्म क्यों नहीं लेगा? जब ब्रह्मा में प्रवेश किया तब बोले कि 47 में ब्रह्मा में प्रवेश किया, हां तो उसी वक्त बोले कि इसमें बाप बाबा नहीं कहते, पैदा होता है कि जब ज्ञान चला है, तो जिसे उसके बाद ही उनका नाम ब्रह्मा रखा गया, बाद ब्रह्मा करके समझे। हाँ जी, इनका नाम ब्रह्मा है। शंकर को भी शंकर अभी आत्मा जब भी ब्रह्मा ने शरीर छोड़ने के बाद फिर आने के बाद फिर सेवेंथ किस तक प्रत्यक्ष हो जाता है, इसमें ये शंकर वाले आत्मा है बच्चे को कि ये शंकर का पारधर ये है। किस आधार पर? ज्ञान के आधार पर, जब वो ज्ञान को क्लैरिफिकेशन देता है। मतलब वैसे वैष्णव यदि जो पार कर जाता आत्मा होती है, विष्णु का आत्मा होती है, वो एक आत्मा हो रही है। नहीं, चारों आत्मा की सभा संस्कार की मेल को विष्णु कहा जाता है, लेकिन जो निमित्त आत्मा बनती है योगी, तो वो आत्मा भी जब निकलती है उनका भी कोई ज्ञान, जैसे बाबा ने बोले कुछ तो कैसे होनी चाहिए, किसी ज्ञान में होनी चाहिए, और फिर ब्रह्मा का भी कैसे बन सकते तो उनका क्यों कैसे नहीं बनेगी, तो कुछ लोग प्रूफ चाहिए। तुम सब पार्वतियाँ हो। हाँ, तुम सब पार्वतियाँ नहीं, नंबर वाला सीताएं हो। क्या बोला? तुम सब पार्वतियाँ हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियाँ हो। तो जो पहले पार लग गया था, नहीं पहले दूसरे नंबर की बात नहीं है, लेकिन जो तुम सब कहा तो कहने वाला अलग हो गया। ऐसे नहीं कहा तुम सब राम हो, राम बाप है एक और तुम सब सीताएं हो। तो जो कैसेट चलानी है वो राम बाप की सुननी है, एक की सुननी है या सीताओं की सुननी है? नहीं, एक की सुननी है। लेकिन जो उनका प्रूफ, मतलब जो प्रैक्टिकल में करने वाले सो रहे या प्रैक्टिकल, मतलब हर साल जो करती है, जो प्रैक्टिकल किया जाता है वो कर्मेंद्रियों से किया जाता है या वाचा से किया जाता है? कर्मेंद्रिय एक होते हैं बोल बोल करने वाले और एक होते हैं प्रैक्टिकल करने वाले। प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले को ज्ञान होता है। हाँ, बोल बोल करने वाले ज्यादा अच्छे होते हैं या प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले ज्यादा अच्छे होते हैं? प्रैक्टिकल करने वाले। संसार में तीन प्रकार के लोग हैं, एक होते हैं बोल बोल बहुत करते हैं, करते कुछ नहीं, एक होते हैं बोल बोल भी करते हैं और करते भी हैं, कुछ कभी करके दिखाते हैं, और एक होते हैं करते हैं बोलते कुछ भी नहीं, तो कौन से अच्छे हैं?
दोनी में वो विजय माला है, विजय माला अभी तक भी ज्ञान की बोल बोल नहीं की, लेकिन अंदर धारणा में चढ़ की पक्की कमाई हुई है। वो ऐसी आत्माएं कुछ भी भाषण करने की बात नहीं करेंगी। जब जो आत्मा वो आत्मा जब नीचे लेगी ना, इससे पहले जो अरवास में रखते थे कि ये आत्मा है वो आत्मा है करके कि वो संगठन है विष्णु का बात है, वो सब झूठ है कि सत्य है। पहले रुद्रमाला प्रत्यक्ष होती है कि पहले विजय माला प्रत्यक्ष होती है? रुद्रमाला बोल बोल करने वाली है या प्रैक्टिकल करने वाली है? वो बोल बोल करने वाली माला में मुंह दिखाई जाती है, है तो बोल बोल करने वाली, लेकिन उसमें जो मुख दिखाए जाते हैं उनमें मुख एक ऐसा है जो बाप दादा का मुख है। इसलिए वो रुद्र माला पहले प्रकट होती है और वो राजाओं की माला है। करने के बाद है वो आत्मा उस समय ही दूसरा सोने में प्रवेश कर सकती है। अगर अकाल मौत नहीं हुई है तो अकाले मौत जिनकी होती है वो थोड़े समय के लिए उनको सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत का शरीर दान करना पड़ता है। हाथ कल गलती तो अकाल पुत्र है ना? नहीं है हाथ कल गलती तो अकाल पुत्र है नहीं है? तो फिर कैसे बेसिक वाले बोल दे बोली में जो प्रकाश चंद जी का कोई घर में आपको बोल दे वो तो अकाल पुत्र? उनका तो ब्रेन हैमरेज हुआ ना, ब्रेन हैमरेज ही ये साबित करता है कि अकाल मौत हो गई। खरा बचने की कोई संभावना नहीं। मैं वो फिर अपना जो ऑब्जेक्ट पानी में है कैसे बोल दे कि वो दूसरा गर्भ में घुस गया? वो ज्ञान गर्भ गर्भ नहीं होता है, वो भी तो बुद्धि रूपी पेट है। कृष्ण को शास्त्रों ने पीपल के पत्ते में गर्भ महल में नहीं दिखाया। तो गर्भ जब कहा जाता है तो स्थूल गर्भ में बुद्धि क्यों चली जाती है? ज्ञान गर्भ में बुद्धि क्यों नहीं गई? हद में क्यों रहे? बेहद में ही जाना चाहिए ना। दूसरा कौन सा बनेगा? दूसरा कौन सा बनेगा? ही कंस बनता है, राम ही रावण बनता है। एक हाथी अपने ही शरीर से छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है वो कसने, उस कसने की बात भी है कोई शास्त्रों में? शास्त्रों में जिसे कस कहा गया है जिसकी यादगार चल रही है वो कौन सा कस है? कसम की कस है राम और कृष्ण बनाने के लिए। हाँ जी नहीं, व्यक्तित्व तो एक ही है ना, एक ही शरीर में दो आत्माएं है ना, पांच दोनों आत्माओं के अलग अलग है। आज में शरीर छोड़ते विकारों की लकड़ियां हैं वो जलाई भी जाती है, आत्मा रह जाती है। मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में ऐसा नहीं करते, वो जमीन में गाड़ देते हैं,
उसकी संगम युग की यादगार है जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं या क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो पूरे 84 जन्म लेती ही नहीं, उनका देवान पूरा जमता ही नहीं, इसलिए देवान की मिट्टी में ही गाड़ी जाती है। इसलिए उन धर्मों में ये परंपरा है कि वो मिट्टी में गाड़ देते हैं और भारतवासियों में लकड़ियों में जलाए देते, माने नाम निशान भी विकारों का न रहे। धीरे धीरे बोलो, जोर से बोलो। क्या था आज मनुष्य ज्यादा अधिकारी है या जानवर ज्यादा अधिकारी है? संदर्भ छोड़ दो, मनुष्य ज्यादा अधिकारी। अरे गाय तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ प्राणी है जानवरों के बीच में, क्या गौओं की मिसाल कन्याओं माताओं से दी जाती है? कन्याएं माताएं वो तो ह्यूमन गौए हैं, उनका मिसाल उन गौओं से क्यों दिया गया? क्योंकि सीधे स्वभाव की होती है, इसलिए गौ के द्वारा जो दूध निकलता है वो श्रेष्ठ तो माना ही जाता है, लेकिन गौ का जो मूत्र निकलता है वो भी लीवर में फायदा करता है। तो जब मूत्र में इतनी ताकत है उसमें पंचोदन की, तो दूध में तो कितनी ताकत होगी। मनुष्य जाति भिखारी हो गया, जानवर इतना भिखारी नहीं है और गाय तो भिखारी होती ही नहीं। एडवांस ज्ञान मिला लेकिन कोई बात में अगर संस्कार भक्ति मार्ग का पक्का रह गया तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा, और शरीर छोड़ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ब्राह्मण थे, बाबा ब्रह्मा तो ब्राह्मण थे लेकिन ब्रह्मा ऐसे ब्राह्मण थे जिनके मंदिर नहीं बनते, जिनकी पूजा नहीं होती है मंदिरों में मूर्तियों की। उसका कारण ये हुआ कि वो ऐसी कच्ची खोपड़ी के थे कि उनकी गोदी में पलने वाले सब बच्चों ने उनके ऊपर अधिकार जमाया, और अधिकार यहाँ तक जमाया कि उनका हाथ फेर कर दिया। इसलिए चंद्रमा जो है वो ज्ञान का सूर्य नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? ज्ञान। चंद्रमा वो कलाओं में बंधता है और सूर्य कलाओं में नहीं बंधता, माना सूर्य कोई से प्रभावित नहीं होता। सूर्य को फॉलो करने वाले सूर्यवंशी बच्चे भी एक बाप के तरह और कोई से प्रभावित नहीं होते, कोई की प्रजा नहीं बन सकते। और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो भी गोद में आकर के पले उन्होंने सामने उनके ऊपर धाक जमाई। जैसे आज की दुनिया में माताओं का हाल है, माताएं पहले पति के कंट्रोल में रहती है, उससे भी पहले बाप आप के कंट्रोल में रहती है, तो उनकी आदत पड़ जाती है कंट्रोल में रहते रहते। अब जब बच्चे पैदा होते हैं कुरान साहब का पति ने शरीर छोड़ दिया तो बच्चों की कंट्रोल में आ जाती, बच्चों का प्रभाव उनके ऊपर इतना गहरा पड़ता है
उसके बाप को भी छोड़ने के लिए तैयार, बच्चे का सब गाली। ये स्वभाव संस्कार माताओं के अंदर कहाँ से आने शुरू हुए? फाउंडेशन कहाँ से पड़ा? सत्य के आज समय ब्रह्मा के द्वारा ही जो काम हुए, दुनिया की बड़ी से बड़ी माँ ब्रह्मा वैसे ही माताओं ने फाउंड किया। ब्रह्मा को कई मुझे आया है, ब्रह्मा को फॉलो करना वरना अपनी हालत भी ब्रह्मा जैसा बनाना। तो और ब्रह्मा तो एक सेकंड में विष्णु बन जाता है, जो कि जो वो गुर्जर दीदी दादी में आता है, तो ये गुर्जर दादी के काउंट होने के बाद ही ब्रह्मा एक सेकंड में विष्णु बन जाएगा या उससे पहले? गुर्जर दादी में सूक्ष्म शरीर से आते हैं या बिंदु रूप स्टेज में आते हैं? सूक्ष्म शरीर तो अधूरा है, इसलिए उसका गायन नहीं है ब्रह्मा को विष्णु बनने का। ब्रह्मा जब संपूर्ण आत्मा बनता है, 16 कला संपूर्ण चंद्रमा बनता है, तब का गायन ब्रह्मा को विष्णु। वो भक्ति मार्ग का दंड है, भक्ति का दंड है, उसे वो पवित्रता का दंड समझते है। वास्तव में है ये ज्ञान दंड। वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र को गाय देने से इनकार कर दिया। विश्वामित्र को गुस्सा आया कि गाय नहीं दोगे तो हम तुमसे लड़ाई लड़के ले लेंगे, हम क्षत्रिय युद्ध करेंगे। युद्ध हुआ, वो ढेर सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ते रहे विश्वामित्र। उन्होंने अपना वो पवित्रता का दंड लिया, अभी तक उनके सारे अस्त्र शस्त्र करते चले गए। ऐसे ही यहाँ भी है, विजयमाला के पास जो पवित्रता का अस्त्र वो दंड है, उसके मुकाबले ये सारे रुद्रमाला के जो भी अस्त्र शस्त्र है ज्ञान के, वो सब फीके पड़ गए। न बेसिक पार्टी वाले कुछ कर पा रहे हैं, न एडवांस वाले संगठन स्वर्गीय बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि पवित्रता का दंड नहीं है। दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। अभी भी दुनिया में जहां जहां कहीं सफलता मिल रही है, जिन मनुष्यों को, जिन संस्थाओं को, जिन देशों को, उनमें कुछ न कुछ प्योरिटी की पावर है, इसलिए सफलता मिली। हम बच्चों को भी इशारा दे दिया, सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। पवित्रता की पावर बहुत बड़ी पावर है, उसमें अगर ज्ञान समा जाए ईश्वरीय ज्ञान, तो सोने में सुहागा हो जाए। दादा बच्चों देव को वशिष्ठ ऋषि कहता है और बच्चों देव को वशिष्ठ ऋषि कहता है और रामाचार्य को विष्णु से देवताओं को पसंद करते हैं और विष्णु पिता देवताओं को पसंद करता है या सारे विश्व को पसंद करता है? सारे विश्व को, चाहे देवताएं हो, चाहे मनुष्य हो और चाहे राक्षस हो, सबका उद्धार करना वो विश्व पिता है। विश्वामित्र का अस्त्र भी प्रयोग नहीं कर सकते है? विश्वामित्र का जो अस्त्र है बक्तिश्वरी के जो पवित्र खंड उसमें क्या प्रयोग नहीं होता है क्या? नहीं,
यही की पावन जब तक विश्वामित्र ने धारण नहीं कर ली योग बल से, तब तक वो जबरदस्ती उनसे गौ को नहीं ले सकते। योग की पावर ही पवित्रता को धारण कराती है। और जो बीज रूप पेड़ वाली आत्माएं हैं, निराकारी अभ्यास की जो पक्की है, वो याद में बहुत सीखी जा सकती है। सीखी जाने का रिजल्ट ये होता है कि उनमें ऑटोमेटिक क्लैरिटी करवाई जाती है। भारत में उड़ीसा चाहे सबसे पीछे है, क्या भगवान इसको उल्टा उल्टा नहीं उठाएंगे? गरीब निवाज बाप किसको ज्यादा अपनाते हैं? गरीबों को अपनाते हैं या साहूकारों को अपनाते हैं? बाबा उनका प्रश्न है कि बाबा उनको उठाएगा नहीं क्या, उड़ीसा को उठाएगा नहीं क्या? तभी तो बोला है उड़ीसा के लिए, तभी तो बोला है उड़ीसा की आत्माएं उड़ी ऐसा जो कोई पकड़ न सके। सूर्यवंशी स्टेज में सूर्य है या चंद्र है? सूर्य उनकी स्टेज में ज्यादा सूर्य की बच्चा रह करेंगे। अहमदाबाद में स्वामी नारायण के पर आज मंदिर है, तो मिलते तो स्वामी नारायण के मिलेगा, तो यहाँ सारी संतोष में तो यहाँ ही आगे तो अहमदाबाद में यहाँ ही आगे का मतलब क्या हुआ? हद के अहमदाबाद में आ रहेंगे या बेहद के अहमदाबाद की भी कृपा आ रहेंगे? जो भी दुनिया में सेंटर खोलेंगे बड़े बड़े, उन बड़े बड़े सेंटर को संभालने वाले जो भी महारथी होंगे, वो सारा ज्ञान का धन हो या स्कूल धन हो, उसका सारा कोटा मिल कहाँ जाके इकट्ठा होगा? अहमदाबादी के पास। होगा स्वामीनारायण का मंदिर, स्वामीनारायण का मंदिर द्वापर के आदि में बना था, मध्य में बना था या कलयुग में बना था? कब बना था? कलयुग के मध्य में स्वामीनारायण मंदिर बना, स्वामीनारायण संप्रदाय शुरू हुआ। जितना पीड़ित को झाड़ू देगा वो उतना सस्ता मान रहे हैं, वो उतना सस्ता मान रहे हैं। सस्ता नारायण सिंह कह रहे थे व्यक्ति को झुंझाला पूरी नहीं करा, जब उसमें ज्ञान नहीं तो सच्चा होते हुए भी सच्चाई को धारण नहीं कर सकती। पीड़ित लगा है ना, मतलब भीड़ की है ज्यादा लेकिन कन्यासी उसमें ऐसी ज्यादा नहीं है। वो जो विजय माला की आत्माएं है वो गृहस्थी में रहती है, गृहस्थी के कीचड़ में रहती है, आश्रम के पवित्र वातावरण में रहती है। कहाँ रहती है? आश्रम के पवित्र वातावरण में रहकर के पवित्र रह लिया तो क्या बड़ी बात हुई? गृहस्थ के कीचड़ में रह करके फिर पवित्र रह करके दिखा दो। तो यहाँ तो जो भी निकले हैं एग्जाम में वो सारे ही सरेंडर वर्ग में से निकले हैं, आश्रमों में रहने वाले निकले हैं या घरग्रस्त की कीचड़ में से निकले हैं? तो सब घरग्रस्त की कीचड़ में रहने वाले हैं।
इसलिए बोला था अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले नहीं जाएंगे। विक्रमादित्य मन के बोल बोल करते और ओम पे प्रैक्टिकल नहीं करते, लेकिन विजय मार्ग मन के बोल बोलने के तो प्रैक्टिकल करते। प्रैक्टिकल तब करते हैं जब उनकी बुद्धि में एडवांस ज्ञान समा जाता है, पाप को पहचान लेते हैं तब, उससे पहले नहीं। अभी आप थोड़े समय पहले बताते कि बोल बोल नहीं करता और प्रैक्टिकल कर लेते हैं, लास्ट में पास जाते हैं, आवेंगे लास्ट में और जावेंगे तेजी से बोल बोल ही करेंगे। बोल बोल का मतलब वो जैसे चलन होती है उनकी जो दृष्टि है वो दृष्टि ही बताने के लिए कितनी प्योरिटी भरी हुई है। जो विजय मेहता मन का और उत्तराखंड मन का जो भी होते जैसे बचन रुचि और विश्रामा चले जाएंगे क्या इससे तो कोई भी टीका नहीं जा सकते। टीका नहीं चला जाता है, विश्वामित्र टीका चला जाता है। विश्वामित्र वशिष्ठ की गौओं को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वशिष्ठ यहाँ है ब्रह्मा और विश्वामित्र है रामबल विश्वनाथ। इंद्रिय सुख से कहा जाता है उसमें इंद्रियों के सुख की दरकार ही न रहे, इंद्रियों से अतीत का सुख। अभी जो सुख मिल रहा है वो इंद्रियों के द्वारा मिलता है, इंद्रियों का संबंध संपर्क जुटता है तो सुख मिलता है। जंगल में चले जाते तो इंद्रियों का सुख अनुभव में नहीं आता, लेकिन फिर क्या होगा, इंद्रियों के सुख की परवाह नहीं रहेगी, इंद्रियों से परे का सुख भोगेंगे। उसके लिए मन परिपूर्ण स्टेज में होना चाहिए और अब व्यभिचारी होना चाहिए। एक शिव बाबा दूसरा द्रौपदी का बांध पहुंची थी उसका चारित्रिक। अभी जो भी ब्रह्मा कुमारियां है उनके ट्रांसफर होते हैं या नहीं होते? होते हैं। दादी के पास जाते हैं, हमें कोई ब्रह्मा कुमारी दो हम सेंटर खोलेंगे, दादी ब्रह्मा कुमारी दे देती है, ब्रह्मा कुमारी जाए सेंटर चलाती है, उसकी रक्षा करने वाला रक्षा करता है, फिर एक सेंटर से दूसरे सेंटर में चली जाती है। सच्ची ब्रह्मा कुमारी होगी तो ट्रांसफर करने से डरेगी या ट्रांसफर करने से नहीं डरेगी? नहीं डरेगी। तो सच्ची सच्ची ब्रह्मा कुमारियां उनका ट्रांसफर हो रहा है, एक सेंटर छोड़ करके दूसरे सेंटर में चली जाती है, तो वहाँ उनका कोई खास कोई विशेष रक्षक होता है कि नहीं है? जरूर कोई रक्षक होता है, रक्षक कोई पति कहा जाता है। ऐसे अगर चार पांच सेंटर भी चेंज कर दिए तो कितने पति हो गए? पांच पति हो गए। बाकी ऐसे नहीं है कि पांच के साथ कोई इंद्रियों का संबंध जोड़ लिया, ये तो शास्त्रों की बातें उठा करके उल्टी उल्टी चाल चलने वालों की बातें हैं। हमारा तो फाउंडेशन ही प्योरिटी का है, जिनकी नीयत खराब होती है वो सुबाकी को उठाते, बाबा ने कहा है ना तुम सब द्रौपदियां हो, द्रौपदी के तो पांच पति होते हैं ना, इसलिए हम भी पांच पति होते हैं। बाबा तो जो ब्रह्मा कुमारी है उनका तो बाबा एक ही पति है, तो बाबा एक पति है
बाबा एक पति है, बाबा किसे कहा जाता है? बाबा मतलब साकार निराकार को लिया है उनका साकार, जिनके शरीर के आधार लिए है उनसे साकार, जिनका शरीर का आधार लिया है, जो अभी जो राम वाले आत्मा कहा जाता है। तो ब्रह्म कुमार जानते हैं राम भाई जानते हैं? उनको नहीं जानते हैं, वो तो सुप्रीम सोल को जानते हैं। तो सुप्रीम सोल को बाबा कहेंगे? नहीं, बाप कहते हैं। तो बाप वो बाबा कर रहे वो तो रक्षा करते हैं, तो सेंटर चेंज करने से वो कैसे कैसे दूसरे रक्षा करते हैं? तो बाबा है कहाँ जो रक्षा करता है? नहीं, जो भी कोई रक्षा करता है, जो भी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं उनका शिव बाबा है कहाँ? तो ब्रह्मा बाबा रक्षा करते हैं, ब्रह्मा बाबा साकार में है कहाँ? बाबा ही नहीं, तो कोई भी तो रक्षा करता है ना। तो कोई भी जो रक्षा करता है वो उसके साथ अगर संबंध जुड़ गया है नहीं होगा तो गलत हुआ या सही हुआ? नहीं बाबा, वो तो गलत हुआ। तो सारी होता है कि बाबा ने मुझे बोला है एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। अगर इंद्रियों का कनेक्शन जोड़ना है पत्नी को तो किसके साथ जोड़े? एक पति के साथ। और ये आंखें इंद्रिया है कि नहीं? आंखें को इंद्रिया कहे या नहीं कहे? इंद्रिया है और आंखें सबसे जास्ती धोखेबाज है। तो जो आंखें सबसे जास्ती धोखेबाज है उनकी बहुत संभाल करनी चाहिए या जात जाति के पुरुषों के साथ दृष्टि लेना चाहिए जानी चाहिए? किसी मुरली में तो बोला नहीं, तो देवदानियों ने चरण चला दी कि ऐसा करेंगे तो इसको राजयोग कहेंगे, परंतु ये तो राजयोग नहीं है। राजयोग तो सिवाय एक के सिवाय और कोई दूसरा दिखाई नहीं सकता, ऐसी कोई भी मनुष्य ताकत नहीं है। जो सबसे धोखेबाज इंद्रियों का परिसर में संपर्क करता रहे और उसके संग का रंग उसको न लगे। एक शिव ही है जो दृष्टि से सारी शक्ति को सुधारता है, वो सच्चा पति, पतियों का भी पति। इसलिए और तो लोग गड्ढे में ले जाएंगे, कोई पति नहीं है। हाँ, ब्रह्मा कुमारी तुम पर है, कोई अगर सच्ची ब्रह्मा कुमारी होगी तो कहीं भी उसको छोड़ दिया जाए। अफ्रीका जैसे बौनों के देश में छोड़ दिया जाए तो भी वो भिखारी नहीं बनेगा। सब तरह के पत्ते हैं, 500-700 करोड़ पत्ते हैं, वैरायटी ज्यादा है। ऐसी भी आत्माएं निकलेंगी जो जन्म जन्मांतर एक के साथ निभाने वाली होंगी। पक्के वाले जो है अच्छा क्या किया था? अच्छा क्या किया था? अच्छा किया नहीं था, क्या किया था? तो पावर थी, तंत्री की पावर थी, उस समय तो ध्यान नहीं था ना। ये है कहाँ की कथा? उस समय जिस समय तुम बोल रहे हो ये कथा है कहाँ की? कौन सी युग की कथा है? लक्ष्मी आने के बाद हो जाएगा वो क्या एडवांस की पवित्रता प्योरिटी ऐसे ही प्योरी हो जाएगी बिना समान पुरुषार्थ ही मिले? वो आने के बाद तो नंबर छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे? दुनिया छोड़ेंगे, वो भी नंबर बात छोड़ेंगे, सब एक साथ छोड़ देंगे, नंबर बात छोड़ेंगे। समान पुरुषार्थ की कौन नंबर? समान पुरुषार्थ की वो जो धारणा में भी सीखे
और जब ज्ञान मिल जाए तो ज्ञान में भी उसी तीव्रता से चले, सन्यासियों की तरह नहीं। माता कुंड मान को आगे रखिले भाग्य उत्ता कले भाजा हेले भगवान संघर्ष माता कन्या को आगे रखा है पीछे कर दिया है। हमारा माथा खराब हो जाता है, जो माथा खराब हो जाता है अपने दिल से पूछो, अकेले में कन्या माताओं को पाए के हमारी वृत्ति चंचल होती है कि नहीं होती है? माया का पावर ज्यादा होता है पुरुष वृत्ति में। जो पुरुष चोला है वो सारा चोला का चोला ही है, इसी धातु का बना हुआ है। वो दुर्योधन दुष्टासन बने बिगड़ रह नहीं सकता, इसलिए स्वर्ग का भेद पुरुषों के हाथ में नहीं दिया है, इत्यादि माताओं कन्याओं के हाथ में दिए। वो जाए आमादा हो जाए तो स्वर्ग का गेट खोल सकते, नहीं तो ऐसी भी माता है जो नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती है बाजा। अरे दुर्योधन का नाम तो हम तो दुर्योधन जो शासन देवान से कनेक्टेड है या आत्मा विवरण से कनेक्टेड है, तो देवान खत्म हो जाएगा तो जो रहेगा बोलो 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 बाबा। हाँ, एक ऐसे में बोला है कि 16,000 में से एक आत्मा है जो इसको कभी छोड़ना पड़ेगा। 16,000 एक आत्मा है जिसको कभी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? जो दूसरे दूसरे धर्म के छिलके वाली आत्माएं होगी, जब जो दूसरे दूसरे धर्म के छिलके वाली आत्माएं होंगी तो उनका छिलका जो है बाद में उतरेगा या पहले ही उतर जाएगा? हो सकता है उनका छिलका देवान का संचित नहीं उतरे। जब धर्मराज की मार जोर से शुरू हो जाए तो अंत में जिनका छिलका उतरेगा वो कम जन्म लेंगे या पूरे चौरा की जन्म लेंगे? ऑलराउंड 5 बजे मैंने ऑलराउंड 5 नहीं बजा सकते, उनके बहुत वर्ष कम हो जाएंगे। सचिव में तो आज में आवेंगे लेकिन सचिव के पहले जन्म में भी अंतिम क्षणों में जाके जन्म लेंगे। आएंगे 4.5 लाख की लिस्ट में लेकिन शरीर छोड़ करके फिर दोबारा आएंगे, फिर दोबारा आएंगे। क्या था लिस्ट में, क्या करना चाहिए? तो ये यादगार में रुद्र यज्ञ रचा जाता है तो कितने शालिग्राम बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनाते बाबा। ये सारी तो फोन नवलाख सितारे आसमान में गाए जाते हैं चमकते हैं विनाश के टाइम पर, इसका मतलब ये हुआ कि 4.5 लाख प्रवेश करने वाले हैं और 4.5 लाख जिनका शरीर है वो है और 36 तक चमकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 9 लाख जिंदा रहेंगे। 18 से 36 तक 18 साल स्थापना होगी तो विनाश भी चलेगा। अरे कृष्ण जन्म लेगा तो राधा जन्म नहीं लेगी क्या? राधा कृष्ण का जन्म होगा तो क्या वैकुंठ में नहीं होगा क्या? मृत्यु लोक का ब्रह्मा चलता ही रहेगा नहीं?
ब्रह्मा का वृत्ति लोग खराब होता है, वैकुंठ लोग हो जाता है। पहले स्थापना की पहले बिना भूल गए, पहले स्थापना फिर बाद में बिना। बाबा ये क्या मैं कहूँगा हरिपुर महान हरिपुर बाबा, लेकिन वो महान बनेंगे और मिनिमम बनेंगे, समझाइए। तो बोला है पाठशाला का ऐसा समा बनाओ और मिनिमम जैसा नक्शा दिखाई पड़े, देखा ठीक है। जो भी मिनी मधुबन अभी देखे हैं उनमें नक्शा कैसा है, ऐसा नक्शा है कि कोई भिखारी परिंदा पर मार के भाग जाए, कोई कमी नहीं है, कोई गोलमाल नहीं, ऐसा तो नहीं कोई बच्ची न करने वाले भी आके बैठ जाते हो। बाबा जगन्नाथ मंदिर में एक भक्त ने नारियल भेजा था जगन्नाथ के लिए, वो जगन्नाथ गुरु उसको भी ग्रहण कर लिया और उसको गायब कर लिया नारियल को, तो उसको क्या अंधश्रद्धा कहेंगे या साक्षात्कार कहेंगे, उसका व्यर्थ में अर्थ क्या है? एक भक्त ने नारियल भेजा था जगन्नाथ के लिए, उसका नाम है दातिया, तो उस नारियल को जगन्नाथ ने गायब कर लिया, क्या हुआ? ग्रहण कर लिया, उसके हाथ से ले लिया। भक्ति बारे में ढेर सारी केवल उसका भेदभाव आपसे क्या है? उसका भेदभाव उसका तो भेद नहीं कुछ होगा ना, हो सकता है वो झूठी हो तो, लेकिन ऐसे ही उड़ा दिया तो जैसे जैसे आर इंडिया में बात चल पड़ी के देवताओं की मूर्तियाँ दूध पीती है, तो क्या जो मूर्तियाँ दूध पीती है ऐसा भक्ति मार्ग में ढेर सारी अनुसंधान की बातें चलती है। परिपक्व वाले जीवन होंगे और जिसके द्वारा सारी सारी दुनिया में यही 50-60 दिन पर ही रहेंगे और दूसरे सब जो किताब सब दूर जाए पक्के पक्के रहेंगे, कच्चे कच्चे तो टूटेंगे ना भाई। एक तो आज की माला है विजय माला, तो वो युगल मणकों की माला है या सिंगल मणकों की माला है? युग विजय माला युगल मणकों की माला है, उसमें लेफ्ट साइड के भी मणके हैं और राइट साइड के भी मणके हैं, तो जो राइटियस मणके हैं उनमें प्योरिटी ज्यादा होगी या लेफ्टियस वाले में प्योरिटी ज्यादा होगी? राइटियस वाले में प्योरिटी ज्यादा होगी, तो कितने हुए? 54 और 54 मिला के कितने होते हैं? 108, तो 50-60 के बीच में हो गए ना, उन्हीं मणकों की बात है। बाहर की दुनिया में रहे चलाएंगे, बाहर की दुनिया में चलाएंगे, हम सब बाहर की दुनिया में भी तो आए और कहाँ से आए? तो एक लाख का समझ नहीं क्या गीता पाठशाला में जीवन है, देखो प्रैक्टिकल में घर व्यक्त में साथ रह करके जो विकारों पर जीत पाने वाले होंगे
वो छिपे रहेंगे क्या संसार की नजरों में? सब प्रत्यक्ष हो जाएंगे। वैद्य भी बाबा ने बोला है कि ब्राह्मण परिवार में कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा, कोई कितना भी छुपाने की कोशिश करे लेकिन प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये ब्राह्मणों का परिवार एक शीशे का महल बन जाएगा, जैसे शीश महल होता है उसमें सब को अपने अपने और दूसरों के चेहरे दिखाई पड़ जाते हैं, ऐसे दिखाई पड़ेगा। अभी अपने मन को बहला लेते हैं और दूसरों को, ब्राह्मण परिवार को और समाज को धोखा दे लेते हैं, लेकिन आगे चल करके जब तैयार हो जाएंगे ऐसे युवन तो धोखा नहीं चलेगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले जो लक्ष्मीनारायण बने हैं तब इतने साल के बाद वो राधाकृष्ण जैसे बच्चा बहुत जन्म का पता नहीं चला है। पहला जो ब्राह्मण युवन होगा वो पहला कृष्ण से बन करके संसार में प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? चंदन हुई कृष्ण जब संगम की कैसे प्रत्यक्ष होगा तो कौन से संगम प्रत्यक्ष होगा यह पता नहीं चला अभी। अरे मुरली में तो बोल दिया है 50-60 साल के बाद वहां बच्चा पैदा होता है, कहां सत्य गुरु लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? उसका 60 साल जोड़े तो कितने आए? मम्मी को लाने के लिए आपने बोले थे कि सितारी और बाकी है, अभी आएगी मम्मी। कौन सी मम्मी? कौन सी मम्मी? मम्मी को पहले ही मम्मी बना दिया, मम्मी माने मुर्दा, मुर्दा क्या आएगा? कौन सी माँ? छोटी माँ से माना बड़ी कौन सा है? मतलब माने बड़ा मम्मी है माँ को मम्मी को छोटी माँ के लिए तो जब तुम आह्वान करोगे प्रकट रूप में तो आ जाएगी। बाबा जी क्या पूछ रहे?